चलिए आगे बढ़ेंगे। शहडोल से इस वक्त बड़ी घटना सामने आ रही है। शहडोल में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का ये मामला है। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वारदात का खुलासा हुआ है। इस मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने 1 मार्च की रात को वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें, ये मामला शहडोल के खेरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खेरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। 3 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। शेड्यूल से हमारे साथ इस वक्त सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, 3 साल की बच्ची के साथ जघन्य वारदात हुई है। जी अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा, शहडोल जिले के खैरा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां 1 मार्च के रात को ये घटना को अंजाम दिया गया था। बच्ची की मां के शिकायत पर आरोपी भानु ढीमर को खैरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और मारपीट का मामला दर्ज किया था। वहीं इलाज के दौरान मासूम 3 वर्ष की बच्ची का मौत हो गया है मेडिकल कॉलेज शहडोल में, जहां अब आरोपी के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। तो पहले बच्ची के साथ मारपीट के आरोप थे आरोपी के ऊपर, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।